हेलो गाइस, मेरा नाम इंजमाम और आप देख रहे हैं इंजमाम के चैनल इंजमाम एडिट। सो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप तौकीर भाई की तरह स्नेक एडिट कैसे कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्स आर्ट ऐप ओपन करना है। पिक्स आर्ट ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। आपको सिंपली अपने मॉडल को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया। करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कटआउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, कैची के निशान का, उस पर क्लिक करना है एंड अपने किनारे किनारे ब्रश को चला देना है, अपने मॉडल के किनारे किनारे, ना कि बैकग्राउंड के किनारे किनारे। चलाने के बाद आपको ऊपर एरो का निशान दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, आपके पूरी बॉडी पर रेड कलर से फील हो गया होगा। आपको सिंपली अपने बैकग्राउंड पे जो रेड कलर फील हो गया होगा किनारे किनारे, उसे सिंपली हटा देना है। आगे पीछे यानी कि हो जाता है ऊपर नीचे, तो हटा देना है एंड सिंपली आपको अपने बॉडी पर, मॉडल पर अपने रेड कलर चला देना। तो मैं यहाँ पर अपने जो यहाँ पर हेयर मेरे दिख रहे हैं उस पर मैं सिंपली रेड कलर चला दूँगा एंड ये छोटे छोटे जो हेयर है उसके लिए मैं यहाँ पर साइज छोटा कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं अपने हेयर पे चलाऊंगा। तो मैं यहाँ पर अपने साइज छोटा कर लेता हूँ, लगभग 3 या 2 रखूँगा। साइज 2 रखने के बाद मैं अपने हेयर पे यहाँ पर चला देता हूँ। और ऊपर अब मैं अपने बाल पर भी चला देता हूँ ताकि एक एक बाल यानी कि अच्छे से कवर हो जाए और देखने में लगे रियलिस्टिक की तरह कटी हुई। एंड यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो जो छूट जाएगा ना किनारे किनारे, वो अच्छे से दिख जाएगी कि हाँ यहाँ पर हमारे छूट गया। उस पर फिर इरेज का ब्रश लेकर आप चला दिए ताकि अच्छे से कट जाए। इससे क्या होता है कि अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड की कटिंग होती है, यहाँ पर से बहुत अच्छे तरीके से कट होगी। ये देखिए हमारा हो गया। एंड ऊपर यहाँ पर शेप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो हम अपने मॉडल को सिंपली सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आपको ड्रॉ टूल में जाना है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद आपको 3 डॉट दिख रही होगी, 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड सेव इमेज पर क्लिक कर देना। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है एंड अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने मॉडल को एडजस्ट करना है अपने स्क्रीन पर एंड प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड अगेन ऐड फोटो में जाना। ऐड फोटो में जाने के बाद स्नेक की पीएनजी, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको सिंपली उसे डाउनलोड कर लेना है एंड इसे अपने पिक पर ऐसे कुछ इस तरीके से बैठा लेना। बैठाने के बाद सिंपली आपको ऊपर इरेज का ऑप्शन दिख रहा होगा मोबाइल के आइकन की तरह, उस पर क्लिक करना है एंड आपको इरेज कर लेना है किनारे किनारे और अच्छे से एडजस्ट कर लेना जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ शेडो वगैरह पहले से बनी हुई है स्नेक की, उसे सिंपली हटा देना क्योंकि ऐसे बेकार टाइप का हो जाता। मैं ये देखिए शेडो वेडो हटा दे रहा हूँ। सिंपली आपको ये पूरी अच्छी तरीके से कर लेना। करने के बाद ऊपर से आपको डन करना। डन करने के बाद अगेन ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ये लाइट पीएनजी और एक स्पार्कल का पीएनजी, दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे लेना है एंड इसे ब्लेंड टू स्क्रीन कर लेना है। एंड हमारे बैकग्राउंड कुछ वाइट ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारा स्क्रीन पर वाइट इफेक्ट भी आने चाहिए। इसके लिए मैं कॉपी कर करके जहाँ जहाँ पर हमें लाइट इफेक्ट चाहिए वहाँ वहाँ पर मैं डाल दूँगा। तो मैं देखिए मैं लाइट इफेक्ट सब जगह डाल दिए कॉपी करके ऊपर से एंड अगेन अब स्पार्कल का पीएनजी, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लुक डाल देगी। इसके लिए इसे ब्लेंड पर जाकर स्किन करूँगा एंड इसे अपने स्किन पर फुल लगा दूँगा। अब कुछ इसी तरीके से लगा लीजिएगा एंड डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद अगेन ऐड फोटो में जाना। ऐड फोटो में जाने के बाद ये ब्लर वाला स्नेक लेना एंड इसे कुछ नीचे इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद इसे भी डन करना एंड अगेन टूल्स में ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड एडजस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इसके ब्राइटनेस को लगभग कम कर देना कुछ,
40-50 तक एंड इरेज का ऑप्शन पे क्लिक करके इसे इन्वर्ट पे क्लिक कर देना। इन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ब्रश वाला ब्रश लेना है एंड इसे स्नेक के नीचे नीचे यानी कि जहाँ जहाँ पर शेडो होने चाहिए हमारे वहाँ वहाँ पर मैं इसे सिंपली चला दूँगा। आपको लगे कि जहाँ जहाँ पर शेडो हमें चाहिए वहाँ वहाँ पर इसे चला देना। हमें स्नेक की शेडो चाहिए, अपने हैंड के शेडो चाहिए, इसे चला दूँगा एंड डन करके इसे ब्राइटनेस को आगे पीछे करके देख लूँगा कि हमें कितनी ब्राइटनेस चाहिए, शेडो चाहिए। तो हमें लगभग 11 रखूँगा एंड डन कर लूँगा। डन करने के बाद फिर से टूल पे ऑप्शन पे जाऊँगा, एडजस्ट पे जाऊँगा एंड अब मैं इसके साइन इफेक्ट दूंगा, इसलिए ब्राइटनेस हल्की बढ़ा लूँगा एंड इरेज का ऑप्शन पे क्लिक करके इन्वर्ट पे क्लिक करूँगा एंड ब्रश का ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने फेस और कपड़े वगैरह पे चला लूँगा ताकि साइन इफेक्ट हमारी अच्छी तरीके से आ जाए। तो मैं कुछ इस तरीके से चला देता हूँ, हमें जहाँ जहाँ साइन इफेक्ट चाहिए वहाँ पर मैं चला दूँगा ब्रश को एंड इससे भी कुछ प्लस 11 रखूँगा एंड डन कर दूँगा। डन करने के बाद अब मैं सिंपली ड्रॉ टूल में आऊँगा। ड्रॉ टूल में आने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लूँगा एंड इसे लाइटरूम में ओपन करूँगा। लाइटरूम में ओपन करने के बाद इसके एक्सपोजर को लगभग -20 रखूँगा एंड हाईलाइट को अल्ट्रा एंड कंट्रास्ट को 7 या 6 रखूँगा एंड शेडो लगभग 15 या 14 रखूँगा एंड वाइट को -15 कर दूंगा एंड ब्लैक को 20-30 कर दूंगा लगभग। एंड अब सिंपली इसके बगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड मिक्स के टूल पे आ जाना। मिक्स टूल पे आने के बाद मैं फर्स्ट वाली जो है उसे -13 एंड -17 रखूंगा एंड सेकंड वाले को भी सेचुरेशन हल्की सी कम करके -20 एंड ल्यूमिनस -32 +32 रख दूंगा एंड इसके बगल वाले को भी -17 कर दूँ, -30 कर दूंगा एंड सेचुरेशन 18 लगभग कर दूंगा एंड बाकी ये सब की सेचुरेशन -100 कर देनी है। बाकी लास्ट वाली जो दो बचेगी उसे सिंपली छोड़ देना एंड डन कर देना है। डन करने के बाद हल्की सी इसकी वाइब्रेंस बढ़ा लेनी है लगभग 9। वाइब्रेंस बढ़ाने के बाद सिंपली उसके बगल वाले पे क्लिक करना है इफेक्ट्स पे एंड टेक्सचर हल्की बढ़ा लेनी है और क्लैरिटी हल्की सी इंक्रीज करनी है लगभग 15 एंड विजनेट -18 या 20 रखनी है एंड ग्रेन अमाउंट को लगभग 10-15 रख लेना एंड उसके बगल वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड शार्प को लगभग 70 या 80 रखना है एंड डिटेल हल्की बढ़ा के नॉइज़ डिटेक्शन भी लगभग 50 तक रख देना एंड कलर नॉइज़ डिटेक्शन भी हल्की सी 30 तक बढ़ा देना है। एंड आपको लगे कि स्मूथनेस एंड डिटेल्स हमें बढ़ानी चाहिए तो बढ़ा लीजिएगा वरना छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड उसके बाद ऑप्टिक्स पर आप क्लिक कीजिएगा एंड इसे ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद फिर इफेक्ट पर आइएगा एंड स्प्लिट टोन पे क्लिक कीजिएगा। स्प्लिट टोन पे क्लिक करने के बाद मैं इस पर ब्लू टोन का यूज़ करूँगा, आप भी सिंपली ये कीजिएगा ब्लू टोन। ये काफ़ी अच्छा टोन है एंड बहुत ही अच्छी लुक डालती है हमारे फ़ोटो में। सिंपली मैं इसे ब्लू पे सिंपली इसे घसका कर ले जाऊँगा ब्लू जहाँ पर ब्लू कलर है एंड हल्की सी ऊपर कर दूँगा दोनों को, हाईलाइट एंड शेडो दोनों को हल्की सी ऊपर कर दूँगा। ऊपर करने के बाद सिंपली डन करूँगा। डन करने के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ये हमारा लाइटरूम प्रीमियम वर्जन है, आपने शायद नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल पे जाकर लाइटरूम प्रीमियम वर्जन एंड मैं इसे ब्रश लूँगा एंड इसे सिंपली अपने बॉडी पर कुछ इस तरीके से चला दूँगा, ऐसे सर्किल बना लूँगा एंड लाइट पर क्लिक करके इसके एक कंट्रास्ट को लगभग 40 रख दूंगा। डन एंड हाईलाइट को हल्की सी कम करूँगा एंड वाइट को भी हल्की सी कम कर लूँगा, वाइट को ज़्यादा ही पीछे मार गया एंड इसे डन कर लूँगा। डन करने के बाद फिर से मैं सिलेक्टिव टूल में जाऊँगा
सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद अगर मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करके अगर मैं सर्किल वाला नहीं उसके किनारे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड नीचे से हल्के ऊपर ऐसे उठा लूँगा। उठाने के बाद लाइट पे क्लिक करूँगा एंड इसकी एक्सपोजर को कम कर दूँगा लगभग -1.73 एंड इसे हल्की सी और ऊपर कर देता हूँ ताकि अच्छी लुक आ जाए। नीचे से डार्कनेस बहुत ओरिजिनल लुक यानी कि अच्छी लुक दे दे हमारी फ़ोटो में एंड इसे डन कर दूँगा। ये देखिए हमारा बिफोर एंड आफ्टर कितनी अच्छी लुक आ गई है। सिंपली इसे सेव कर लूँगा मैं, शेयर पे क्लिक करूँगा, शेयर पे क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर दूँगा तो ये हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो।